नमस्ते कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न, लियो लग्न के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा? देखिए लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, एसेंडेंट, एसेंडेंट लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके जो अगर टाइम पास करने के लिए आप लोग अगर प्रेडिक्शंस देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो कोई भी वीडियो देखिए आपकी मर्जी, लेकिन सच में एस्ट्रोलॉजी का अगर वीडियो इंटरेस्टेड है और आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ, वो वीडियो देखिए और फिर उसकी इफेक्ट देखिए। मेरे बोलना आपको मानना चाहिए, ये मैं नहीं मानता। आप प्लीज़ इसको देखिएगा, मेरे थीम को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास आपके जन्म कुंडली है, उसमें बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, लग्न कुंडली, जन्म कुंडली है, चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है, होरा है, त्रिशांश है, नवांश है, बहुत सारी कुंडलियाँ, उसमें से लग्न कुंडली, आपकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली उसको देखिएगा। और उसमें यहां लिखा होगा लग्न, पहले घर में लग्न लिखा होगा, ये पांच लिखा होगा, यानी कि पांचवी राशि आपका लग्न है, यानी कि लियो आपका लग्न है, लियो साइन इज योर लग्न। ये लियो शेर की पूंछ है, ये टेल, टेल ऑफ द लियो, शेर की पूंछ है, लायन की पूंछ है, एक रुबाबदार लग्न है, रुबाबदार बातें हैं। देखिए ओवरऑल ये पिक्चर देखेंगे ये महीने का अगर कि कैसा रहेगा महीना। देखिए गुरु शुक्र की युति हुई है, घर में कुछ न कुछ अच्छा वातावरण है, कुछ अच्छा बन जाएगा। शुभ प्रसंग गुरु शुक्र की युति या प्रतियुति कभी कभार मैं देखता हूँ शुभ प्रसंग निर्माण कर देती है घर में, घर में कोई शुभ प्रसंग निर्माण होने का वक्त है, ये बढ़िया टाइम है ये। दूसरी बात, आपका लग्नेश पंचम में गया है, दिस इज द टाइम फॉर योर सन और डॉटर, ये आपके बच्चों के लिए का समय है, बेटा या बेटी के लिए का समय है, या अपने प्यार के लिए, अगर अनमेरिड है तो कोई चक्कर है उसके लिए है ये, क्योंकि यू हैव एक्टिवेटेड दिस मंथ। 16 दिसंबर से 13 जनवरी आपका लग्नेश है, आपके फिफ्थ हाउस में आया, पंचम में आया, कोई ना कोई नई आइडिया देगा, आपके प्यार में आनंद देगा, अपने प्यार से आनंद होता है, ऐसे लोग स्टेज पर आप आ जाएंगे, घर में खुशियां आएगी, गुरु शुक्र की युति है, कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, नए काम धंधे की तलाश आप, आपको अभी सक्सेसनेस की तरफ दिखाएगी, आप काम धंधे में 2019 आपको प्रमोशन भी देगा, दिलाएगा आपके काम धंधे में भी। 12th हाउस का राहु का जो दूषित पना था वो भी अभी इसकी नौवीं दृष्टि से, गुरु की 7, 8 और 9 दृष्टि से वो नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, यानी कि 12th हाउस का जो बेडरूम का राहु है, यानी कि कोई 12th हाउस एक्सपेंसिव है, खर्चे का स्थान है, धोखे का स्थान है, अकेला रहना पड़े ऐसा स्थान है, तो वहां आया हुआ राहु पर गुरु की दृष्टि आ गई तो वो भी मैरिज लाइफ में भी एक रिदम मिल जाएगा आपको। 14 जनवरी से 12 फरवरी, यानी कि 14 जनवरी से 31 जनवरी का टाइम है, will be an expensive day. कुछ झगड़ा झगड़ी का माहौल रहेगा, कुछ खर्च का माहौल रहेगा, खर्च मांगना पड़ेगा किसी से। मंथ बिगनिंग यानी कि जनवरी का बिगनिंग, आपको नई आइडिया पर आप सोचिए, कुछ आपके जीवन में कोई चेंजेस करने की सोचते हैं आप, कर्मस्थान पर एस्पेक्ट है, नया घर लेने का अगर प्लान कर रहे हैं तो सिंह लग्न नया घर प्लान कर पाएगा इस वक्त, बहुत बढ़िया टाइम है। देखिए शुक्र 29 जनवरी तक आपके चतुर्थान में है, 29 जनवरी तक आपके चतुर्थान में है, बाद में वो पंचम स्थान में जाएगा। सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह, सूर्य 14 जनवरी को राशि बदलेंगे और बुध आपकी राशि बदलेंगे 20 जनवरी को, सूर्य 14 जनवरी को राशि बदल रहा है, बुध 20 जनवरी को राशि बदल रहा है, ये ब्लॉक उठ के यहां आ रहा है। आपके सिक्स हाउस में ज्यादा प्लेनेट जमा नहीं होने चाहिए, जब सिक्स हाउस में ज्यादा प्लेनेट जमा होने लग जाते हैं तो इट विल बिकम एन एक्सपेंसिव टाइम, ये खर्चे का टाइम होने लग जाएगा, 14 जनवरी के बाद 20 जनवरी के बाद खर्चे का टाइम बढ़ने लग जाएगा, लग्नेश भी आपका वही है, सूर्य वही 6 में जा रहा है तो एक्सपेंसिव टाइम हो जाएगा। आपके मैटरनल अंकल मामा मौसी से कोई लाभ लेना है तो आप ये ले सकते हैं, आपके वर्ड को 14 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति का जो टाइम है उसके बाद का टाइम, आप आपके मामा और इन लोग से, मौसी से, आपके रिलेशंस में मैटरनल अंकल से, सिक्स हाउस इज अवर मैटरनल अंकल, आपका लग्नेश मान गया है तो मैटरनल अंकल से आपके रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, आपके वर्ड्स को माने जाएंगे।
शनि फिफ्थ हाउस में है लेकिन ये अस्त है, शनि अस्त हुआ है 20 दिसंबर से 15 जनवरी तक, यानी आपका सप्तमेश है, मैरिज लाइफ में जो कुछ सुस्तपना है वो भी 15 जनवरी से जाएगा, एक्सपेंसिव टाइम आएगा, आपके लिए खर्चा है वो टाइम आएगा। ये महीने में सूर्य ग्रहण भी है 5 जनवरी को, और सूर्य ग्रहण धनु राशि का यानी कि आपके फिफ्थ हाउस का, बुद्धि के स्थान का, सोच के निर्णय लेना है आपको। जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो जॉब चेंज का भी चांस आपको मिलने वाला है, आप बिजनेस चेंज करना चाहते हैं बिजनेस का भी कर सकते हैं, इसमें ग्रोथ है। आप जहां भी रहेंगे आपको प्रमोशन देना पड़ेगा, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको आगे बढ़ते हुए आप दिखाई देंगे। चंद्र गुरु की 31 जनवरी को युति हो रही है, अभी गुरु वृश्चिक राशि में ही है, चंद्र गुरु की युति हो रही है, ये भी टाइम आपके घर के लिए बहुत खुशियां लाने वाला टाइम। गुरु शुक्र की युति घर में, भले टू एनिमीज है बट ये खुशियां लाएगा, ये महीना आपके लिए खुशियां का है, घर के लिए बहुत शुभ मैं समय देख रहा हूं आपके लिए। ये हो गया आपका ओवरऑल पिक्चर, अभी मैं थोड़ा डेट वाइज देने की कोशिश करता हूं आपको, और डेट वाइज देने में आपको और एक बात बताता हूं कि जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको सच में इसमें मजा आती है तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको व्हाट्सएप पे आप फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे वीडियो, ताकि इसके व्यू मैं बढ़ा पाऊँ, काफ़ी लोगों तक जा पाए मेरे वीडियो, ये मेरा इंटेंशन है, मेरी हेल्प कीजिएगा उसमें। और अगर आपके कोई सुझाव है तो प्लीज मुझे दीजिएगा, मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन देता हूँ। 1 जनवरी से 4 जनवरी मंथ का बिगिनिंग, और आपके हाथ में पैसा आना ही चाहिए। 1 जनवरी से 4 जनवरी में आप आपके परिवार के साथ बड़े आनंद में एंजॉय करते होंगे, खाना पीना मौज है। 1 जनवरी से 4 जनवरी में आपको पैसा आना चाहिए, अगर 1 जनवरी से 4 जनवरी में पैसा नहीं आया तो समझ लीजिए ये महीना आपको पैसा नहीं देगा, ये मैं प्रेडिक्शन देता हूँ आपको। 5 जनवरी से 7 जनवरी, 5, 6 और 7 ये 3 दिन है, ये आपके भाई के लिए, ब्रदर्स और सिस्टर्स, अपने सिबलिंग्स के लिए, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है। 5, 6, 7 अगर आपके पड़ोस में कुछ गड़बड़ घोटाला करके रखा है, कहीं आपके झगड़ा झगड़ी का माहौल है, ऐसे आप लिए हुए रुबाबदार इंसान है, आपको 5, 6, 7 में आपके पड़ोस के साथ का जो व्यवहार है उसका कुछ ना कुछ अनुभव आएगा, ये अनुभव अच्छा ही होगा 5, 6, 7 को। और ये भाई के साथ का भी अगर कोई कुछ अच्छा रिलेशंस में करना चाहते हैं भाई के साथ तो वो भी कर सकेंगे। 8, 9, 10 जनवरी आपको बहुत खुशी होगी, ऐसे मैसेज आपके पास आएंगे। 5, 6, 7 में अगर आपने कोई मैसेज एक्सपेक्ट भी किया है तो वो मैसेज आ जाएगा, और उस मैसेज का जो आनंद है 8, 9, 10 जनवरी में आपके ऊपर छाया रहेगा। आप घर में बहुत सुखी होंगे, यू विल बी हैप्पी एट होम, और ये दिन माँ के साथ 8, 9, 10 माँ के साथ एंजॉय कर पाएंगे, आपके इनर माइंड तक बहुत बड़ी पीस को महसूस कर पाएंगे 8, 9, 10 में। 11, 12 और 13 इससे अगेन दिस इज द डे आपके बच्चे के लिए, 11, 12, 13 अच्छा टाइम है, कुछ ना कुछ बच्चे के उसमें आप प्लस पॉइंट देखेंगे, बच्चा थोड़ा मैच्योर होता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं है बच्चा नहीं है आपको तो हो सकता है आपके जो जिस आपका जो लव पार्टनर है उसके साथ का जो आपका जो तालमेल है वो ये टाइम में आप 11 12 13 में अच्छी तरह से बना पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कई आपका जो ये दिन अच्छे रहेंगे रीडिंग्स के लिए, 11 12 13 इसको फ्लॉप मत करिएगा। एज ए स्टूडेंट देखिए गुरु अच्छा है साल भर के लिए, 6, 8, 12 में नहीं है तो मैं मानता हूँ सक्सेसनेस आपको मिलेगी। 14, 15, 16 और 17 इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। 14, 15, 16, 17 मैंने जो बताया मैटरनल अंकल वाली बात, इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। अगर आप मैटरनल अंकल के पास जाते हैं तो ठीक है, और 14, 15, 16, 17 आपको के लिए खर्चा है। मकर संक्रांत हो चुकी है 14 को, अदर देन महाराष्ट्र काफी लोग, काफी सिटीज गुजरात है, दूसरे सिटीज में लोग पतंग उड़ाते हैं, यू विल बी फाइंड कि आप बहुत एक्सपेंसिव दिन रहेगा, बहुत मौज में रहेंगे बट ये एक्सपेंसिव डे रहेगा। 14, 15, 16, 17 में झगड़ मत पड़िएगा, केयरफुल रहिएगा अपने टेम्पर्ड को, अपने ईगो को संभाल के रखिएगा। यू आर ईगो मैन, यू पीपल, यू लाइक, आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव लोग हैं,
आपके झगड़े हो सकते हैं, वो टाइम है ये 14, 15, 16 और 17 का, केयरफुल रहिएगा। बीमार भी हो सकते हैं आप 14, 15, 16, 17 को, ओवर एक्सेस स्ट्रेन स्ट्रेस मत कीजिएगा, ज़्यादा दौड़ धूप का काम मत कीजिएगा। 18, 19, 20 आप छा जाएंगे, मैरिड लाइफ के पार्टनर के साथ आपका पैचअप बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे, आप देखेंगे अपने आप को मैरिड लाइफ के पार्टनर के साथ, आपके विचारों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, वो मैरिड लाइफ का पार्टनर आपको समझने लग जाएगा। ऐसे भी देखिए 15 जनवरी तक शनि अस्त था, सप्तमेश अस्त की वजह से मैरिड लाइफ के पार्टनर के साथ जो विचारों में डिफरेंस था वो भी आप 18, 19 और 20 में कर पाएंगे। 21, 22, 23 और 24 ये थोड़ा अपमान का समय रहेगा। 21 से 22 कर्क राशि में ही चंद्र है, वो भी एक नेगेटिव है, और 21 से 24 हो सकता है अपमान का समय है ये। 21 से 24 में ससुराल अगर करीब हो तो एक आध विजिट वहां भी हो सकती है आपकी। 21, 22, 23, 24 में ससुराल में विजिट होगी, कुछ प्लेजर का वातावरण वहां होगा, लेकिन वहां ऑलरेडी देखिए ससुराल का वातावरण होगा, वहां भी कुछ मंगल का प्रभाव देखेंगे आप, झगड़ा झगड़ी का कुछ टेंपर वातावरण है वहां, ये आप महसूस कर पाएंगे। 25, 26, 27 एक ट्रैवलिंग का टाइम है, इट विल बी ए लॉन्ग ट्रैवलिंग। 25, 26, 27 में अगर आपके चार्ट में दम है और फॉरेन ट्रैवलिंग जैसा ट्रैवलिंग भी हो सकता है, आपका माइंड रिलीजियस सोच करने लग जाएगा 25, 26, 27 में, और ये दिन लकी रहेंगे आपके लिए। और 28, 29 और 30 के बारे में बता रहा हूँ कि ये कर्मस्थान के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कर्मस्थान के लिए अच्छा समय मतलब आपके जो टारगेट दिए हुए 25, 26, 27 में आपकी लॉन्ग ट्रैवलिंग है, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कोई 25, 26, 27 में कोई रिलीजियस काम भी होगा आपका, 28, 29, 30 में आपके काम धंधे में आप लाभ महसूस कर पाएंगे, काम आपका होता हुआ दिखाई देगा, आपको जरूरत नहीं है, बिना मेहनत के भी आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड यू आर लियो पीपल, यू नो हाउ टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। लियो काम करने वाला नहीं है, कराने वाला है, काम करने वाले मकर और कुंभ है, काम कराने वाला लियो है, दे नो हाउ टू गेट द वर्क डन, और आप वो है, आप वो 28, 29, 30 में दूसरों से काम करवा सकेंगे। 31 जनवरी आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर आएगा, आपकी कुंडली की ताकत अगर बड़ी है तो 20, 25, 50 लाख का फिगर भी आप आगे पीछे कर सकेंगे इस टाइम में। देखिए सिंह लग्न के लिए अगर आप बोलेंगे कि काम धंधे के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो 28, 29, 30 ये तीन दिन काम धंधे के लिए अच्छा है। 14 जनवरी से 12 फरवरी में झगड़ा मत मोल ले लीजिएगा, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, सामने से चल के कोई गलती हो जाए ऐसे डिसीजन भी मत लीजिएगा, घर में खुशियों का माहौल है उसका एडवांटेज दीजिएगा 101%। घर में गुरु शुक्र की युति घर में खुशियों का माहौल लाएगी, नया घर अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इट इज पॉसिबल। 14 जनवरी से 14 फरवरी में आप गवर्नमेंट कर्ज लोन से घर लेने की ट्राई करेंगे तो वो भी हो सकेगा। 12वां राहु की नेगेटिविटियां अभी कम हुई है, 5 जनवरी को जो सूर्य ग्रहण है कोशिश कीजिएगा 5 जनवरी को भी काफी डिसीजन ना लिए जाए, आपके इंपोर्टेंट तो अच्छा है। शनि अस्त का मैंने बताया, चंद्र गुरु की युति है 31 जनवरी को यानी चतुर्थ में, वो अच्छा फल देगी आपको। ये आपका चतुर्थेश और अष्टमेश परिवर्तन है, और ये परिवर्तन मंगल के घर में गुरु और गुरु के घर में मंगल, ये चतुर्थेश और अष्टमेश है, यानी कि घर और ससुराल, ये जो परिवार है स्पाउस का परिवार है, घर और ससुराल, इसमें भी घर के अंदर कोई शुभ प्रसंग ही दिखा रहा है, और ससुराल भी आपका उस शुभ प्रसंग में या उस काम में सहभागी होगा आपके साथ, ये भी हो सकता है। थोड़ा चतुर्थेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन है, ये कोई खुशियां तो लाएगा ही 101%, और ये ससुराल से संबंध ही कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, तो लेट तो वेट और पेज को ओपन होने देते हैं। ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, और जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प मी टू इंक्रीज माय व्यू। थैंक यू वेरी मच।